अच्छे घर का काम चला हुआ। आपको मैं घर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। अच्छा घर आप क्या बना रहे हैं यहाँ दोस्तों? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे यहाँ पे मंकी है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है, मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और थोड़ा टेक्निकल इशू भी चला हुआ था, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। और आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी शानदार ब्लॉग रहने वाला है, बिकॉज आज मैं एक स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहा हूँ। स्पेशल पर्सन कौन है? वो है अक्षिता जी, जिनको आपने कांगड़ा गर्ल के कॉमेडी चैनल में देखा होगा और उनका एक ब्लॉग चैनल भी है। तो आज उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, बिकॉज कुछ काम से रिलेटेड मैं मिलने जा रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने चैनल के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो लाने वाला हूँ, वो वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो उसी काम के रिलेटेड मैं उनके पास जा रहा हूँ। और दूसरा जो काम है वो ब्रजेश्वरी मंदिर में दर्शन करना, जो कि कांगड़ा में है। सो आज मैं इन दो काम को करने के लिए जा रहा हूँ, तो ब्लॉग काफ़ी अल्टीमेट रहने वाला है, सो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं रास्ते में जा रहा था और अभी मेरे को एक सुंदर सा हाथी दिखा है, और हाथी काफ़ी मतलब मस्त लग रहा है। और देखो यार, पास जाके कहीं अंकल मारेगा तो नहीं है? पक्का ना? मेरे को लग रहा है ये डर रहा है, बट पास में जाके देखते हैं। चलो गाइस अब चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। तो दोस्तों सामने अभी आप देख सकते हो, ये है कांगड़ा की वादियाँ, और सामने ऊपर जो पहाड़ दिख रहे होंगे ये हैं धौलाधार माउंटेन्स, और व्यूज़ जो है दोस्तों काफ़ी मस्त व्यू दिखाई दे रहा है। सो फाइनली दोस्तों अभी मैं अक्षिता जी के घर पे पहुंच गया हूँ, और यहाँ मैं कुछ वर्क के पर्पज़ से आया था। और अक्षिता जी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया जी। और नया ताज़ा कुछ नहीं, बस काम लगा हुआ घर का। अच्छे घर का काम चला हुआ। आपको मैं घर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ इनके। सो अभी गाइज मैं आपको अक्षिता जी के घर का टूर देने वाला हूँ। तो अक्षिता जी आप यहाँ पे क्या बना रहे हो अभी? ये किचन है। अच्छा ये किचन है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और होता था ना, यहाँ पे गाय बांधी होती थी। अच्छा घराड़। आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? शायद बाथरूम वगैरह ना? अच्छा अच्छा, आपकी अब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है यूट्यूब को लेके? ब्लॉगिंग कर रहे हो ना? और सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 27,000 फैमिली हो चुकी है यूट्यूब पे, है ना? तो आगे की मतलब क्या प्लानिंग है अभी यूट्यूब के लेके? ब्लॉगिंग करोगे? ओके। आपने कभी सोचा कि यार मैं मतलब बड़े शोज या कुछ मतलब ऐसे इसमें वेब सीरीज़ वगैरह में जाऊँ? अभी तो आप मॉडलिंग कर रहे हो ना? अच्छा अच्छा ठीक है जी। मैं भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा था इनके साथ, कुछ मैं शूट करने जा रहा हूँ, वो आपको मैं आने वाली अपनी वीडियोस में बता दूंगा। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बाकी अक्षिता जी से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अक्षिता जी थैंक यू, आपने टाइम दिया। बाकी काम हमारा कम्प्लीट हो चुका है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक यू। फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों घर जाते टाइम मेरे को एक छोटा सा झरना दिखाई दिया था, और ये काफ़ी उसका पानी जो है नेचुरल है, तो यहाँ पे हम पानी वगैरह पीते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ। फाइनली दोस्तों अभी हम अक्षिता जी से मिल लिए, अभी हम ले रहे हैं कांगड़ा मंदिर के लिए, अभी हम ले रहे हैं मंदिर के लिए प्रसाद। मंदिर में मैं पहुंच गया हूं, अभी प्रसाद लेने के बाद चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये रहा मंदिर का गेट। सो गाइस फाइनली अभी मैं मंदिर के अंदर एंटर कर चुका हूं, और अभी आप देख सकते हो ये है मंदिर का व्यू, और ये रहा मेन गेट मंदिर का। और अभी यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है। अभी आपको मैं पूरा मंदिर का टूर करवाऊँगा बैक साइड से, और इसके पीछे का जितना व्यू वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। सो सबसे पहले हम दर्शन करने वाले हैं, तो चलो गाइस अभी मैं दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर दिखाता हूँ आपको बैक साइड का व्यू। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार फटाफट से दर्शन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी बढ़ने वाली है।
फाइनली दोस्तों अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। अभी आपको मैं थोड़ा सा बैक साइड का व्यू दिखा देता हूँ। सो गाइस ये रहा मंदिर के बैक साइड का व्यू, और यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है, और सामने काफ़ी सारे लोग हैं जो दर्शन करके अभी आ रहे हैं, और बंदर भी है यहाँ पे, लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो अभी दर्शन वगैरह कम्प्लीट हो चुके हैं, अब निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे यहाँ पे मंकी हैं, ये पानी पी रहे हैं, पानी पीते हुए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और अभी मेरे हाथों में ये प्रसाद है, तो मैं इसको प्रसाद देने वाला हूँ। सो फाइनली दोस्तों अभी मैं घर पहुँच गया हूँ, और आज मेरे दो काम कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला था अक्षय दादी से मिलना, और सेकंड था ब्रजेश्वरी मंदिर में जाना और वहाँ पे दर्शन करना। और अक्षिता जी से मैं मिलने इसलिए गया था बिकॉज मेरी एक डिफरेंट वीडियो आने वाली है, उसको भी मैं अनाउंस नहीं करना चाहता हूँ, बट बहुत जल्दी आपके पास वो आ जाएगी। तो आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं गाइस और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अल्टीमेट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।